उड़ीसा के जनपद कालाहांडी में दिनों दिन देश में असामाजिक व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के प्रति अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। इसको दृष्टि में रखकर पूरे राज्य के स्कूलों में लड़कियों को आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि माता बहनें बेटियां सुरक्षित रह सके, ऐसे असामाजिक व्यक्तियों को कुकर्म से खुद का बचाव कर सके और इनसे लड़ सके। कालाहांडी से तहसील धर्मगढ़ के अंतर्गत बेहरा कॉलेज में 12 दिवसीय महिला सुरक्षा शिविर रखा गया था। इनमें बेहरा कॉलेज से 17 छात्राओं ने भाग लेकर कला कौशल प्रशिक्षण लिया। ये दर्शनी इंदिरा कॉलेज जूनागढ़ के ट्रेनर जली भरोए ने बहुत अच्छी तरह से छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। कॉलेज के अध्यक्ष निर्मल चंद नायक की अध्यक्षता में हुई इस महिला सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर उद्यापीत दिवस पर शिविर के मुख्य अतिथि गोला मुंडा कॉलेज अध्यक्ष चैतन्य परीडा, सरोज कुमार पंडा, संजीव मुंड प्रमुख उपस्थित होकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। मोर नाम जली परब होई मु पीआई महाविद्यालय रासी छी। सेल्फ डिफेंस आज का दुनिया रे जेमिति नारी को प्रति अत्याचार होउछि से कबलरु केमिति निजकु सुरक्षा मने करबे से विषय रे तालीम देबा पाई मु कॉलेज मानकु सिखे पाई। अखंड भारत न्यूज के लिए दिलीप दुरिया की रिपोर्ट, कालाहांडी। उड़ीसा के जनपद कालाहांडी की यह दुर्घटना NH रोड 26 जूनागढ़ थाना के पास महाशिवरात्रि के दिन घटी। इस दुर्घटना का शिकार दोनों पति पत्नी हुए। महाशिवरात्रि के दिन पूरी दुनिया श्रद्धा भाव से प्रेम भक्ति के साथ उत्साह मनाता है। ऐसे ही उत्साह मना रहा एक परिवार अंधेरे में चला गया। उनके जीवन में दुख की काली बदली छा गई। सूचना के अनुसार ग्राम बड़पड़ा थाना जूनागढ़ से उवासु कंदवान और उसकी धर्मपत्नी गीता कंदपान शिव मंदिर से शिव जी की दर्शन कर हनुमान मंदिर से भोग खाकर दोपहर में पैदल आते समय पीछे से एक मारुति कार ने दोनों पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उवासु कंदपान की मृत्यु हो गई और मृतक उवासु कंदपान की पत्नी गीता गंभीर रूप से घायल हुई। घटना स्थल पर तुरंत जूनागढ़ पुलिस पहुंचकर गीता कंदपान को भावपाड़नी सरकारी हॉस्पिटल भेजा और कार को जब्त कर वाहन चालक को अपनी हिरासत में ले लिया। सूचना के अनुसार पता चला कि गाड़ी मालिक अवकाश प्राप्त फौजी है। मृतक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस घटना से उनके बंधु रिश्तेदारों तथा उनके मोहल्लों की खुशी छिन गई है। अखंड भारत न्यूज के लिए दिलीप दुरिया की रिपोर्ट, कालाहांडी।